हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जिनर डायोड एंड जिनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कि जिनर डायोड क्या होता है एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जिनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये मैक्सिमम 6 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो स्टार्टिंग की थ्योरी में आप बताएंगे कि जिनर डायोड आखिरकार होता क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, जिनर डायोड जो है वो एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जिसको हम खास तौर पर डिजाइन करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जब कोई पीएन जंक्शन डायोड चला जाता है तो हमारे पास करंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो इतना करंट सहन नहीं कर पाता और वो डैमेज हो जाता है। जबकि जिनर डायोड को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये स्पेशली बिना डैमेज हुए रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में कॉन्टिन्यूसली लगातार ऑपरेट कर सके। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम जिनर डायोड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने। देखिए स्टूडेंट, जिनर डायोड जो है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से एक तो इस प्रकार से अलग है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में बिना डैमेज हुए काम कर सकता है। दूसरा डिफरेंस ये है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और जिनर डायोड के बीच में, कि जिनर डायोड के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड हम यूज करते हैं वो पी और एन रीजन जो होते हैं उसके वो हैवीली डॉप्ड होते हैं। मीन्स पी साइड में ट्रायवेलेंट एटम्स की जो इम्प्योरिटी है वो ज्यादा मिलाई जाती है और एन साइड में हमारे पास जो पेंटावेलेंट एटम्स की इम्प्योरिटी है वो ज्यादा मिलाई जाती है। मीन्स पी साइड में होल्स जो होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो पी साइड में होल्स का जो नंबर होगा वो बहुत ज्यादा होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है एन साइड में वो ज्यादा रहने वाला है इस स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड मीन जिनर डायोड के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर चार्ज कैरियर्स ज्यादा हैं हमारे पास, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन एंड एन रीजन में ज्यादा हैं, मीन्स यहाँ पर डॉपिंग काफी ज्यादा की गई है, तो डिप्लीशन लेयर जो होगी जिनर डायोड के अंदर वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डिप्लेशन रीजन होता है उससे पतली होगी। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन जो है वो बहुत पतली रहने वाली है जिनर डायोड के अंदर, क्योंकि चार्ज करने से कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दोनों साइड्स में। तो स्टूडेंट, डिप्लेशन लेयर के पतली होने का क्या मतलब ये है कि अगर हम जिनर डायोड को थोड़ी सी रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दें तो वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो भी हम देखेंगे एग्जांपल लेके कि कैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। और साथ में इसमें जो देखेंगे कि डिप्लेशन रीजन जो होती है उसकी थिकनेस होती है माइक्रोमीटर्स में लेस देन 10^-6 मीटर तक इसकी थिकनेस रहती है डिप्लेशन रीजन के जिनर डायोड के अंदर, जिसके कारण इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिखे आएंगे, जिनर डायोड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। जिनर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड दैट कैन ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कॉन्टिन्यूसली विदाउट बीइंग डैमेज्ड। जिनर डायोड एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में लगातार बिना खराब हुए ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में अभी हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू कि कैसे करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये भी जानेंगे कि वो करंट क्यों बढ़ जाता है इतना। जब करंट बढ़ जाता है तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, जबकि जिनर डायोड की यही स्पेशलिटी है कि ये बिना डैमेज हुए रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में लगातार काम करता रहता है। इट इज गिवन नेम जिनर डायोड आफ्टर इट्स इन्वेंटर जिनर। इसका नाम जिनर डायोड इसके इन्वेंटर सी जिनर के नाम पर पड़ा है। इन जिनर डायोड द एन एंड पी रीजन आर हैवीली डॉप्ड। जिनर डायोड के अंदर जो एन और पी रीजन होते हैं उनको हैवीली डॉप्ड किया जाता है, उनके अंदर ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जाते हैं ताकि उनके अंदर चार्ज कर सके कंसंट्रेशन एन साइड में या फिर पी साइड में जो है वो ज्यादा हो सके। ये है पी साइड, ये है एन साइड, यहाँ पर होल्स बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दो होंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी और होल्स जो है वो बहुत कम होंगे क्योंकि यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे।
As a result of it, the depletion region of zener diode is extremely thin, less than 10 के बार minus 6 meter. ज़्यादा charge करने से concentration होने की वजह से यहाँ पर जो depletion layer बनेगी, अब हम देखेंगे कि depletion layer कैसे बनती है किसी भी PN junction diode में, वो बहुत ही पतली होगी. यहाँ पर उसका जो thickness रहेगी 10 के बार minus 6 meter से कम रहेगी. And the electric field setup across the junction is very high. और depletion region पतली होने का मतलब यह है कि जरा सी voltage apply करके, जरा सी reverse bias voltage apply करके यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जा सकता है. एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ रिवर्स वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, अगर हम 5 वोल्ट की सिर्फ वोल्टेज अप्लाई करें रिवर्स वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो होता है E is equal to minus dV by dx. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है E is equal to minus dV upon dx. dx यहां पर थिकनेस है डिप्लेशन रीजन की, और जो कि जिनर डायोड के केस में 10 की पावर माइनस 6 मीटर होती है, और dV हमने मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है रिवर्स बायस वोल्टेज जो का जो हमने एग्जांपल लिया है वो 5 वोल्ट लिया है. तो 5 को 10 की पावर माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस जिनर डायोड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा होगा, और यही हमारा जो है आगे इसको ऑपरेट करवाएगा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में. तो ये है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे जिनर डायोड के लिए जो वीआई ग्राफ आता है वो कैसे आता है, और साथ में सर्किट डायग्राम देखेंगे जिस सर्किट डायग्राम से हम जिनर डायोड की जो वर्किंग है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वो एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जिनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में कैसे काम करता है. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने सर्किट डायग्राम को समझना है, वर्किंग को समझना है कि जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम कर सकता है, तो आपको पीएन जंक्शन डायोड की बेसिक्स के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करता है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिनर डायोड के लिए, उनको समझना बहुत जरूरी है. देखिए स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड कब बनता है, जब आप एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के पास लेके आते हैं. तो ये है हमारा पी टाइप मटेरियल जिसमें ट्राइवेलेंट एटम्स की इंप्योरिटीज हैं, मींस होल्स की कंसंट्रेशन है यहाँ पर ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है. ये है हमारा एन टाइप मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल्स कम है, मींस इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. जब इनको पास में लेके आते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है जहां पर दोनों मीट करते हैं आपस में. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यहाँ पर होल्स ज्यादा हैं, तो होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज्यादा यहाँ कम है. तो हम हमेशा चार्ज पार्टिकल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. तो ये होल जो है वो पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन जो कि एन साइड में है, लोअर कंसंट्रेशन जो कि पी साइड में है, उस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. तो जब होल्स इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर जंक्शन के आसपास, और क्योंकि होल्स जो है वो नेगेटिव एंड साइड में एंटर कर जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है होल्स की, यहाँ कम है, तो वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा. सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एंड साइड से पी साइड में मूव करेंगे तो पी साइड में कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज जो है जंक्शन के आसपास एक्युमुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और यहाँ पर एक रीजन फॉर्म हो जाएगा, और इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे चार्ज कैरियर जो है वो इमोबाइल होते हैं. इस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन. और जिनर डायोड के केस में क्योंकि यहाँ पर पी साइड में जो होल्स हैं वो ज्यादा हैं, एन साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत पतली रहने वाली है यहाँ पर जिनर डायोड के केस में, और 10^-6 मीटर के ऑर्डर की रहने वाली है. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिनर डायोड के अंदर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर. अब आप इस पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग कर दो. रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं, जब पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन साइड को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट्स. देखिए स्टूडेंट, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन साइड के वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सारे जो है वो ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, मीन्स अवे फ्रॉम द जंक्शन जाना शुरू कर देंगे, और जो होल्स हैं यहाँ पर जो होल्स हैं एमएनओटी चार्ज कैरियर्स वो इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे और वो जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही जो होल्स हैं यहाँ पर इस यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल है उससे अट्रैक्ट होंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी की तरफ जाने शुरू कर देंगे, मीन्स अवे फ्रॉम जंक्शन जाने शुरू कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर एक दो जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल होंगे और वो जंक्शन की तरफ जाएंगे. मीन्स हो क्या रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो दोनों रीजन के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर के होल्स और इधर के इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं,
और वो जब जंक्शन क्रॉस करेंगे तो वो रिकम्बाइन होंगे और उनके रिकम्बिनेशन की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो होगा उस करंट को नाम दिया जाता है डार्क करंट, लीकेज करंट, रिवर्स करंट। और एक टाइम के बाद ये जो लीकेज करंट होता है, रिवर्स करंट होता है, जो कि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट के कारण होता है, क्रॉस जंक्शन वो सैचुरेट हो जाता है। तो जब वोल्टेज कम होती है, आपकी अप्लाइड वोल्टेज कम होती है, रिवर्स बायस वोल्टेज कम होती है, तो आपके सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण होता है। बट स्टूडेंट्स, जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं जिनर वोल्टेज के बराबर हो जाती है, जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाती है, VZ के बराबर हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से जो यहाँ के आसपास जंक्शन के आसपास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, और एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो बहुत सारे जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, तो यहाँ पर फ्लडिंग हो जाएगी चार्ज कैरियर्स की। और आप जानते हैं I=NEAVD होता है NEAVD, मीन्स अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर करंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिलता है कि करंट जब जिनर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज जिनर वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो करंट जो है वो एकदम बढ़ जाता है, और इस इफेक्ट को बोला जाता है जिनर ब्रेकडाउन इफेक्ट या फिर जिनर इफेक्ट या फिर सिंपली आप इसको जिनर ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है। जिनर ब्रेकडाउन क्या होता है, मींस जिनर इफेक्ट क्या होता है, इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये जो करंट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज जिसको हम जिनर वोल्टेज बोलते हैं उस पर आकर बहुत सारी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा हाई हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है जंक्शन के आसपास वाली वो ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मीन बहुत सारे चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो एकदम सडनली राइज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ऐसे इस रीजन में जब बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है वहाँ ऑपरेट नहीं कर पाता, बट जिनर डायोड को हम ऑपरेट करवा सकते हैं। और करंट बढ़ता रहेगा जिनर डायोड के अंदर, बट जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज है जिनर वोल्टेज जिनर डायोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो हमेशा जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ के बराबर ही मिलेगी हमें जिनर डायोड के अक्रॉस। इसी खास वजह से जिनर डायोड को हम रेगुलेटेड पावर सप्लाईज ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मींस करंट अगर पीछे से बढ़ भी जाए तब भी आपको जिनर डायोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज कांस्टेंट मिलने वाली है। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक अप्लायंस है जो कि डिजाइन किया हुआ है कि वो 100 वोल्ट पर ही सही से काम करेगा। मान लीजिए एक फ्रिज है जिसकी पावर रेटिंग 100 वोल्ट है कि 100 वोल्ट पर वो सही काम करता है, बट आपके घरों में जो वोल्टेज आती है वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 110 वोल्ट आ रही है, कभी 220 वोल्ट आ रही है, कभी उससे कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। तो ये फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो आपका डिवाइस है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो कि कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमें दे, मीन्स 100 वोल्ट ही दे, ना 99 वोल्ट दे, ना 101 वोल्ट दे। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम यूज करते हैं जिनर डायोड, क्योंकि ये जिनर डायोड जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन करके रखता है डिवाइस के अक्रॉस। तो उसके लिए आपको कैसा सर्किट डायग्राम यूज करना पड़ेगा जिनर डायोड को अगर आप यूज करना चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में, तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आप फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज देंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये है हमारा जिनर डायोड। जिनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है हमारे पास, जिसमें ये साइड जो है ट्रायंगुलर साइड ये पी को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन एन को रिप्रेजेंट करती है, बट जिनर डायोड के केस में हम इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो ये हमारे पास जिनर डायोड का सिंबल बन जाता है। तो ये हमारा जिनर डायोड जिसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और जिनर डायोड को हमने रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करवाना है। देखिए स्टूडेंट, जो जिनर डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जिनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में सिर्फ रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट होता है, क्योंकि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही अच्छे से काम कर पाता है। तो हम सिर्फ इस रीजन की बात करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में वो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा जिनर डायोड जिसको हमने रिवर्स बायस करना है, मींस एन साइड को हमने पॉजिटिव से जोड़ना है, पी साइड को हमें नेगेटिव से जोड़ना है, और यहाँ पर इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगाना है आरएल। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी जिनर डायोड के, वही वोल्टेज हमें आरएल के अक्रॉस मिलेगी, इसलिए आरएल को जिनर डायोड के पैरेलल लगाया है। और आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी, मींस जो जिनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलने वाली है हमें,
वो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है, चाहे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है तब भी हमें यहाँ पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आप जानते हैं कि जो ईएमएफ होती है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई जो है वो फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है जो पीछे से बिजली विभाग आपके घर भेजते हैं, जो बिजली कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन आपको भेजती है, वो ई जो है वो चेंज होती रहती है, कभी 200 है, कभी 300 है, कभी 100 है। तो आपको वी चाहिए 100, हमेशा वी आपको कांस्टेंट रखना है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है जैसे फ्रिज है वो 100 वोल्ट पे ही अच्छे से काम कर पाएगा, तो वी आपको कांस्टेंट रखना है, ई बार बार चेंज होगा। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर आर लगा दिया, कांस्टेंट वैल्यू लगा दी रेजिस्टेंस की जो कि 10 है, आर यहाँ पर 10 है। और होगा क्या स्टूडेंट्स, आई देखिए स्टूडेंट्स, आई जो है वो अपने आप को चेंज करेगा, घटेगा बढ़ेगा ताकि आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिले। मान लीजिए आपको वी 100 चाहिए और ई पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो 200 वोल्ट की आ रही है, तो आपको 200 में से ऐसा क्या माइनस करना है कि आपको 100 मिले। तो आर तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर 10 आ गया, तो आई कितना होना चाहिए उस केस में हमारे सर्किट के अंदर, वो 10 होना चाहिए तभी आपको 100 मिलेगा। अब मान लीजिए पीछे सप्लाई जो आ रही है वो 300 हो गई और आपको आर जो है वो 10 ही रखना है, तो आई कितना होना चाहिए ताकि आपको 300 में से ऐसी क्वांटिटी माइनस करेंगी 100 आए, तो 300 में से आपको 200 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 20 लगाना पड़ेगा तभी ये 200 बनेगा ये प्रोडक्ट, और 300 माइनस 200 बन जाएगा 100। इसी तरह से जब आपकी सप्लाई पीछे से 100 आ रही है, वी जो है वो भी आपको 100 चाहिए, तो आर जो 10 है तो आई कितना हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आई जो है वो चेंज होता रहेगा, आई जो है वी जो जीना डायोड के क्रॉस जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं बट आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ही मिलने वाली है जो कि जीनर वोल्टेज के बराबर होगी। हर एक जीनर डायोड की एक पर्टिकुलर जीनर वोल्टेज होती है जहां पर वो ऑपरेट करता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है आपकी इनपुट वोल्टेज और ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कैसे मिलेगी आपको, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा वी इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग। तो इनपुट वोल्टेज में जब आप ये माइनस कर देंगे आई आर जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपको सप्लाई वोल्टेज मिलेगी। जब ये सप्लाई वोल्टेज वी एस जो है अगर वो जीनर वोल्टेज से कम है, मान लीजिए इसकी जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है तो ये जो है जिनर डायोड जो है वो वर्क नहीं करेगा, ये ऑफ मोड में रहेगा। तो इसको आप भूल जाइए, अभी ये काम नहीं कर रहा जब सप्लाई वोल्टेज जो है आपकी जिनर वोल्टेज से कम है। तो आरएल के अक्रॉस जो आपको कितनी वोल्टेज मिलने वाली है, वीएस जितनी वोल्टेज मिलने वाली है, मीन्स उस केस में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वी जीरो वो वीएस के बराबर होने वाली है जब आपका जिनर जब आपकी सप्लाई वोल्टेज जो है वो जिनर वोल्टेज से कम है, मीन जिनर डायोड यहाँ पर अभी ऑफ मोड में है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जब आप जैसे आप वीएस को वीजेड से बड़ा बनाते हैं, जैसे ही आप वीएस को वीजेड से बड़ा या इक्वल टू बनाते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो करंट यहाँ बढ़ जाएगा बट जो वोल्टेज है यहाँ पर जिनर डायोड के अक्रॉस वो 5 वोल्ट ही रहने वाली है, वो 5 वोल्ट ही रहेगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट बढ़ रहा है पर वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही रहेगी, तो आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम जीनर डायोड की वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बना के आना, ये वाला डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि रिवर्स बायसिंग में पी एन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है। आपको वीआई ग्राफ बना के आना है जीनर डायोड के लिए और सर्किट डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना है आपको। तो आइए देखते हैं कि आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, कैसे आप इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और फिर बाद में देखेंगे हम वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 6 मार्क्स का आएगा, तो आपको स्टार्टिंग में तो जीनर डायोड के इंट्रोडक्शन लिखनी है जैसे मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताई थी, फिर आपको ये सिंबल बनाना है, साथ में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं जीनर डायोड के, साथ में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है वोल्टेज रेगुलेटर का। पिछले सेक्शन वाली थ्योरी लिखने के बाद आइए देखते हैं कि आप और थ्योरी में क्या ऐड करके आएंगे ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले और आपको बुक भी खोलने की जरूरत ना पड़े, सारा जो आपका मटेरियल है वो यहीं से तैयार हो जाए, आपका इसी वीडियो से तैयार हो जाए। आइए देखते हैं द सर्किट डायग्राम फॉर जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इज शोन इन फिगर। तो सर्किट डायग्राम के थ्रू जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है वो कुछ इस प्रकार से आप फिगर ड्रॉ करेंगे। हेयर द जीनर डायोड इज जॉइंड इन रिवर्स बायस टू द फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज थ्रू अ रेजिस्टर आर। यहाँ पर जीनर डायोड को हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, रिवर्स बायस कौन करेगा, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज करेगी। तो रिवर्स बायस करना है तो आपको जीनर डायोड का एन साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और जो पी साइड है उसे नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो यहाँ प्लस माइनस के सिंबल बनाने हैं। वी आई जो है वो फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज है और जीनर डायोड के साथ आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना है आर, और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
The constant output voltage is taken across load resistance RL connected in parallel with zener diode. तो जो आपको constant output voltage मिलने वाली है वो इस load resistance RL के across मिलने वाली है. Load resistance जो है वो किसी भी form में हो सकता है, कोई भी electrical device हो सकता है, जैसे कि आपका TV, fridge, आपका air conditioner, कुछ भी हो सकता है. ये यहाँ पर आपको constant output voltage चाहिए. तो students आइए देखते हैं, ये तो था इसका circuit diagram का explanation. बहुत ही simple है इसका circuit diagram. उसके बाद working देखते हैं students. Working यहाँ से देखिएगा, जिन्हें डायोड की वर्किंग हम दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे. तो आइए देखते हैं पार्ट वन की थ्योरी में आप क्या लिखे आएंगे. व्हेन द इनपुट रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द जिन्हें डायोड इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, दैट इज जिन्हें ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ. हर एक जिनर डायोड की एक पर्टिकुलर जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है. मान लीजिए इसकी जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट. तो मान लीजिए आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो अभी 5 वोल्ट से कम है. तो 5 वोल्ट से कम है तो आपकी सप्लाई वोल्टेज भी जो है वो 5 वोल्ट से कम होगी. तो जब तक आपकी सप्लाई वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से कम रहेगी तब तक जिनर डायोड जो है वो स्विच ऑफ रहेगा, मींस काम नहीं करेगा. उस केस में जितनी भी सप्लाई वोल्टेज होगी, मान लीजिए 4 वोल्ट है जो कि 5 वोल्ट से कम है, वो सारी की सारी आरएल के अक्रॉस मिलेगी. मीन जितनी आपकी सप्लाई वोल्टेज होगी उतनी ही आउटपुट वोल्टेज होगी. तो जैसे ही आपकी सप्लाई वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है, तो उस केस में जिनर डायोड जो है वो काम करना शुरू करेगा और वो जिनर ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा. तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर्किट में. जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर्किट में तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है V=IR के अकॉर्डिंग, तो I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा. और मींस करंट बढ़ेगा जिनर डायोड के अक्रॉस, मींस जो करंट बढ़ रहा है वो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप को भी बढ़ाएगा, जिसके अक्रॉस VS जो है वो कांस्टेंट रहेगी. VS कांस्टेंट रहेगी तो जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट के अक्रॉस 5 वोल्ट ही रहेगी. और जितनी जिनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी, क्योंकि RL पैरेलल में कनेक्टेड है, उतनी ही आपको RL के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, मींस 5 वोल्ट ही मिलेगी. तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट ही रहने वाली है. तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है कांस्टेंट मेंटेन रहेगी. अगर आपका बढ़ता भी है करंट सर्किट के अंदर, वो ऐसे बढ़ेगा कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आर के क्रॉस बढ़ा देगा, जिसके कारण जो आपको आउटपुट वोल्टेज अब कांस्टेंट रहने वाली है. यही लाइन साहब आगे लिखेंगे, द करंट थ्रू द सर्किट राइजेस, करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर कॉजिंग एन इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा. मान लीजिए यहाँ पर 7 वोल्ट हो गया आपका इनपुट वोल्टेज, मान लीजिए 7 वोल्ट हो गई, यहाँ पर 7 वोल्ट हो गई, तो 7 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको 5 वोल्ट रखना है. 7 में से क्या माइनस करें कि 5 आ जाए, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा. तो 2 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज थी जो 5 वोल्ट से ज्यादा थी, 7 वोल्ट थी, वो यहाँ पर ड्रॉप हो गई. मीन्स आपको यहाँ 5 वोल्ट ही मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस द जिनर डायोड रिमेंस कांस्टेंट, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज थी वो इस आर्क के अक्रॉस ड्रॉप हो गई और जो जिनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज थी वो कांस्टेंट रही. इवन दो करंट थ्रू जिनर डायोड इन चेंजेस, करंट बढ़ रहा है, हम मान रहे हैं करंट बढ़ रहा है जिनर डायोड के अक्रॉस, बट इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो यहाँ कंपनसेट हो जाएगी और जिनर डायोड के अक्रॉस, इसका मतलब आरएल के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज कांस्टेंट देखने को मिलेगी. इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, वो होगा हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप वर्किंग सेकंड पॉइंट में क्या लिख के आएंगे. व्हेन द इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द जिनर डायोड डिक्रीजेस द करंट थ्रू द सर्किट गोज डाउन कॉजिंग अ डिक्रीज इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस इट. तो मान लीजिए अगर आपकी इनपुट वोल्टेज कम भी होती है, इनपुट वोल्टेज कम होने का मतलब यह है कि सर्किट में करंट कम हो जाएगा. सर्किट में करंट कम होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आपकी जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जिस जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जिनर डायोड काम करेगा, मान लीजिए वो 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट ही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सर्किट में करंट कम होगा क्योंकि इनपुट वोल्टेज कम हो रही है, करंट कम होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, बट यहाँ पर जो जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिनर डायोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहेगी और जितनी वैल्यू यहाँ पर होगी जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की उतनी आपको आरएल के अक्रॉस मिलेगी. अब मींस आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगी इवन दो करंट कम हो रहा है सर्किट में. मींस अगर आपकी इनपुट वोल्टेज कम भी हो रही है तब भी आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड रिमेंस कांस्टेंट, इसलिए जिनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, मींस आपको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी. तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इनपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज के साथ जिनर डायोड के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है. तो जैसे एक जब आपकी इनपुट वोल्टेज जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स
रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को रीच कर जाती है तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, जो कि वीजेड के बराबर होती है, जो कि जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होती है, और ये कांस्टेंट भी रहेगी। जितनी ज़्यादा आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा लो, आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह से जिनर डायोड जो है उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग आपको दोनों पॉइंट लिखने हैं, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करना है, और साथ में जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया गया था जिनर डायोड क्या होता है, उसको उसमें क्या क्या खास फीचर्स होते हैं, जैसे हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होना, डिप्लेशन लेयर का पतला होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रांग होना, और साथ में आप 1, 2, 3 तो आपके ये हो गए, सर्किट डायग्राम हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और लास्ट में आउटपुट इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन हो गया। और साथ में अगर आप इसका सिंबल ड्रॉ कराते हैं, जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में ड्रॉ करके बताया था, यह है सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का, इसको अलग से आप ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको चाहे 6 मार्क्स का है, चाहे 8 नंबर का भी आ गया ना क्वेश्चन ये, तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको यही कुछ लिख के आना है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर लिखवाया है। तो स्टूडेंट आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक किताब से नहीं लिखवाया जाता आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी किताबों में से पढ़ के जो सबसे आसान मटेरियल, जो सबसे आसान लाइनें जो है आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।